बादलों को चूमती इमारतें, वक्त से तेज़ दौड़ती सड़कें, समुद्र के लहरों की झनकार, पटरियों पर भागती जिंदगी की रफ्तार। मुंबई नाम तो सुना होगा, कहीं फिल्म की शूटिंग, कहीं शूटिंग के नाम पर चीटिंग, फिर भी अनगिनत सपनों की भरमार। बेरोजगार हो या स्टार, वड़ा पाव से यहाँ है सबको प्यार। और सबसे अनोखा अपने बप्पा गणपति का त्यौहार। मुंबई सपनों का शहर, यहाँ रोज़ रोज़ कई लोग छोटे छोटे शहरों से अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कुछ के सपने पूरे होते हैं तो कुछ के अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के सफ़र में जाने अनजाने कई रिश्ते बन जाते हैं, कभी दोस्ती के रिश्ते तो कभी प्यार के। एक कहानी भी ऐसे ही सफ़र की है। ये शुरुआत तो एक सपने से होती है, लेकिन ख़त्म इश्क पर। मैडम जी, हमारा सिग्नेचर भी ना हमारी तरह बिल्कुल साफ है, सबको समझ में आ जाता है। दात तरीके इन नलवा को का हो गया? हे प्रभु, कपड़ा तो हम धो लिए, अब नहाएं कैसे? इस शहर में समुंदर रहने का क्या फायदा जब नलवा में पानी ना हो? अब का करें? हाँ, कौवा स्नान करते हैं। आइडिया अच्छा है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विभाजा स्मरी पुंडे काक्षं समासन सुचिं। बाप रे बाप, मजा आ गया।
मस्त जारी किसना हरे हरे किसना। मिल गया जय माता दी। हे महालक्ष्मी, आपको तो पता है ना, 12 बीघा जमीन, 15 गो गाय और 12 गो भैंस और 4 गो ट्रैक्टर और बाबूजी का राशन का दुकान सब छोड़ छाड़ का है। आप ही के भरोसे ना है। हमारा बाबूजी का सपना है कि हम साहब बनकर ऑफिस में बैठकर काम करें। काम तो हमारा धुमाधार है लेकिन अंग्रेजी थोड़ा बीमार है। और एक जरूरी बात, हमारा उम्र का गिनती बढ़ रहा है और केस का गिनती घट रहा है। थोड़ा जल्दी कुछ करवा दीजिए, नहीं तो हमारी माई खाना बनाते बनाते दुबरा हो जाएगी। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। आप अपना और हमारा सामान का ध्यान रखिएगा, कहे कि मुंबई है, यह नोट के साथ साथ नोट वोट सब गायब कर देता है। चलते हैं, प्रणाम।